हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ मीना कुमारी, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11th का है ये। इसमें जो हमें टॉपिक कवर करने हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन बाय क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन नंबर, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ फर्स्ट हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो हाउ यू डिफाइन ऑक्सीडेशन? इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जिन भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूव होता है, उन रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सो हियर सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू, एच टू एस प्लस सी एल टू गिव टू एच सी एल प्लस एस। तो ये दोनों ही रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक में एडिशन ऑक्सीजन का हुआ है, दूसरे में हाइड्रोजन निकाला गया है। ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देते हैं या रिमूव हाइड्रोजन करते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो यहाँ ओ टू और सी एल टू दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन, इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बिल्कुल ही रिवर्स है ऑक्सीडेशन से। यहाँ ऑक्सीजन का तो रिमूव होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। और रिएक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पर Cl2 plus H2 gives 2HCl, ZnO plus C gives Zn plus CO। तो फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन में आते हैं। ना रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देते हो या ऑक्सीजन को निकालते हो, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो H2 और जो कार्बन है दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ लॉस वो इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, टू फॉर्म एन ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। नेक्स्ट इज रिडक्शन, इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ठीक है, Fe plus 3 plus इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और plus 2 Fe plus 2 बना दिया। तो जब गेन इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो वहां पर हम रिडक्शन कहते हैं। Now next is oxidation reduction reaction as electron transfer reaction। अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और द स्पीशीज विच लूज इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, and the species which gain electron is said to be reduced। और उस species को हम reduce कहेंगे कि वो reduce हुई है। तो reaction में देखते हैं, magnesium जो है oxygen के साथ react करके MgO बना रहा है, तो magnesium जो है loss of electron कर रहा है, यहाँ पर Mg2 plus plus 2 electron loss कर रहा है, तो यहाँ पर magnesium जो है वो oxidize हुआ है, और oxygen जो है O2 जो है वो 4 electron लेके 2O 2 माइनस बना रहा है, जहां कि हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये रिएक्शन जिनमें लॉस और गेन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और ऐसे रिएक्शन जहां बोथ रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप इस रिएक्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ जो है एच टू प्लस ओ टू गिव्स टू एच टू ओ, यानी एच टू का जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और O2 का जो है वो यहाँ रिडक्शन हुआ है। अब H2 की यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसका जीरो है, O2 का जीरो है, यहाँ H का प्लस वन है और O का जो है माइनस टू होता है। तो यहाँ पर जीरो से वो प्लस वन में गया है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। और हम कह सकते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ जीरो है और जीरो से माइनस टू में गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका जीरो है, ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो है, और जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर वाटर के अंदर उसका प्लस वन है और ऑक्सीजन का जो है माइनस टू है।
तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ध्यान रखें वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वहां रिडक्शन होता है। और ऐसे रिएक्शन जिनमें दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन इन बिटवीन द जिंक मेटल एंड द कॉपर टू सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज जिंक प्लस Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus copper solid. तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? आप एक स्ट्रिप लेते हैं मेटल की, जिंक मेटल की, उसे क्लीन करते हैं सैंड पेपर से और स्ट्रिप को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीकर के अंदर, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने ली है उसमें डिप करना है। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? फर्स्ट आप देखते हैं कि जिंक मेटल स्टार्ट डिसॉल्विंग एंड इट लूज इट वेट ग्रेजुअली। जो मेटल है जिंक मेटल वो उसमें डिसॉल्व होता जाएगा और उसका वेट लॉस होता रहेगा। कॉपर मेटल जो है या तो डिपॉजिट हो जाएगा जिंक प्लेट के ऊपर या तो बॉटम ऑफ द बीकर के नीचे सेटल हो जाता है। और जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, इट्स फेड्स अवे। रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है और जो सॉल्यूशन जो है रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ हमने जिंक रॉड को जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है और जो ये जिंक रॉड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट डिसॉल्विंग और जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ वी डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर? द चार्ज व्हिच एन एटम अपीयर टू हैव व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज आयन। तो जो चार्ज एटम के ऊपर आता है जब उसके साथ जितने भी आयन होते हैं दे आर रिमूव्ड, एटम्स अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज इट आयन, आयन के फॉर्म में उनको निकाल देते हैं, तब जो कि मेटल के ऊपर चार्ज आता है, एटम के ऊपर जो चार्ज आता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, उसका उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सो इट्स अ चार्ज व्हिच एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड from it as ion. Now electrons on the atom are counted by first electron shared between the two like atom, जैसे कि hydrogen hydrogen दो atom है, like atom है, इनके बीच में जो sharing हुआ है electron का, so equally sharing हुआ है electrons का, so between shearing atom therefore atom acquire zero oxidation state number. तो यहां पर H2 जो है दोनों ही लाइक एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। अगर हम बात करते हैं टू अनलाइक एटम्स की, सो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स आर काउंटेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कि हम देख सकते हैं HCl के अंदर हाइड्रोजन और HCl जो है, जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर माइनस वन चार्ज आएगा और जो हाइड्रोजन है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू द क्लोरीन, तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर प्लस वन का चार्ज आएगा। नाउ इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल्स जो फॉलो करने हैं वो देखते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री और एलिमेंटल स्टेट इज ऑलवेज जीरो। अगर हम H2 की बात करें, O2 की बात करें, Br2 की बात करें, तो Br, H और O का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमेशा ही जीरो रहेगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सिंगल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट्स आयन। यानी अगर हम K+ की बात करें, Ca+2 की बात करें, Al+3 की बात करें, तो इनके ऊपर जो चार्ज है ना, सिंगल आयन है ये, इनके ऊपर जो चार्ज है प्लस वन है, प्लस टू है, प्लस थ्री है, वो ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नेगेटिव की बात करें तो Cl के ऊपर माइनस वन है तो उसका माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। SO4 टू माइनस है तो वहां पर माइनस टू रहेगा, PO4 थ्री माइनस है तो वहां माइनस थ्री एज अ होल चार्ज हम मानेंगे उसका ऑक्सीडेशन। नाउ इन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव while that of non-metal is negative. जैसे कि हम देख सकते हैं binary compound जैसे NaCl, तो जो आपका metal होता है Na है उसपे positive charge आएगा plus one और जो non-metal है Cl है उसपे minus one आएगा। Next,
in compound formed by the combination of non-metallic atoms. The atom with higher electronegativity is given negative oxidation number. तो दो नॉन मेटल से जो कंपाउंड बना है उनमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनमें उसका नेगेटिव चार्ज आएगा और जो कम नेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे HCl के अंदर हम बात करते हैं तो क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसपे माइनस वन चार्ज आएगा और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर प्लस वन चार्ज आएगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि इन ऑल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम किसी भी कंपाउंड हाइड्रोजन को देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन, प्लस वन ही रखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स लाइक LiH, KH, MgH2, CH2। इनको छोड़कर हाइड्रोजन के जो भी आपके ऑक्सीडेशन नंबर रहता है हमेशा हम प्लस वन लेंगे, इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का वो माइनस वन होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल कहता है इन कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड है वो उनमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस टू होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा एक्सेप्शनल केस है, परऑक्साइड Na2O2 और OF2। अगर हम Na2O2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है परऑक्साइड के अंदर आपका माइनस वन होता है। Na2O2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस वन है। अगर हम OF2 की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस टू होता है। तो ये दो एक्सेप्शनल केस है जहां पर कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट रूल कहता है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन रहता है। ये हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में भी अगर हम बात करें तो। अगर हम बात करते हैं HI में हाइड्रोजन तो प्लस वन हो गया तो आयोडीन क्या क्या होगा, माइनस वन। और IF5 में क्या होगा, देखो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो I की जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव हो जाएगी। और IF7 के अंदर अगेन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, therefore I की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो प्लस सेवन हो जाएगी। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू जीरो। अगर हम बात करें NH3 वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर हम कर रहे हैं इसमें मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा ना, तो इसका जो है हमें जीरो मान के चलेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स आयन अगर हमारे पास इस तरह के SO4 2- है तो इसके ऊपर चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 मान के चलना। तो आइए, हमने रूल्स तो पढ़ लिए हैं, अब हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस। आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इनमें हमें सल्फर जो भी है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं उनको फॉलो करके। तो वन बाय वन हम लेते हैं। पहला हम लेते हैं AH2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो हम पहला ले रहे हैं एग्जाम्पल H2S। H2S के अंदर अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है हमेशा हमने बोला प्लस वन चार्ज होगा तो H2 के ऊपर हमने प्लस वन चार्ज लिख देना है। सल्फर के ऊपर जो है वो X मान के चलना है क्योंकि हमें इसका डिटरमाइन करना है। तो ये 1 × 2 दैट इज 2 × 1 प्लस ये जो X है वो यहाँ पर लेना है और ये एक न्यूट्रल है, इस पर कोई यहाँ पर चार्ज दिया नहीं हुआ गया है इसीलिए ये जीरो मान के चलना है। तो 2 × 1 = 2 प्लस X = 0 therefore X = -2। तो चार्ज जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का इस एग्जाम्पल के अंदर -2 है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं H2SO3। इसमें हाइड्रोजन की हमेशा जैसे मैंने बोला कि प्लस वन लेनी है तो इसमें प्लस वन ही लेनी है। सल्फर की एक्स लेनी है क्योंकि हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है और ऑक्सीजन की एज यूजल -2 ही रहती है जो एक्सेप्शनल केस जो मैंने बताए थे उनको छोड़कर। तो 2 × 1 प्लस एक्स प्लस -2 × 3 = 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा इसलिए जीरो मान के चलना है। तो 2 + x - 0 x = +4। तो इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका क्या है, +4 है। थर्ड केस देखते हैं SO4 2-। यहाँ ऑलरेडी जो है आपको -2 चार्ज होल चार्ज दे रखा है
तो माइनस टू हमने ध्यान में रखना है, इक्वल टू जीरो नहीं होगा इस केस में, यहाँ पर माइनस टू होगा ये। एक्स सल्फर का हमें एक्स मान के चलना है क्योंकि हमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो नंबर जो है वो डिटरमाइन करना है, और ओ का माइनस टू, तो एक्स प्लस माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू माइनस टू। तो एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस एट यहाँ जाएगा तो प्लस एट हो जाएगा, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो यहाँ पर सल्फर की प्लस सिक्स होगी। इसी तरह अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Na2S2O3। इसमें अभी हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर अगेन निकालना है, तो सोडियम का प्लस वन होता है, सल्फर का एक्स मानना है और ओ का जो है माइनस टू है, ठीक है। तो वन इंटू टू, टू वन जा टू, टू इंटू एक्स क्योंकि सल्फर दो है इसमें तो टू एक्स आ गया, और माइनस टू इंटू थ्री दैट इज माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एज यहाँ पर भी कोई चार्ज दिया नहीं हुआ है यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल के अंदर, तो जीरो मान के चलना है। तो टू प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन क्या होगी, प्लस टू होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं, S2O7 टू माइनस, तो इसपे ऑलरेडी चार्ज दे रखा है आपको, माइनस टू चार्ज दे रखा है यहाँ पर, तो सल्फर का अगेन एक्स मान के चलना है, ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, तो ये हो गया टू एक्स माइनस टू इंटू सेवन दैट इज माइनस फोर्टीन हो गया यहाँ पर, और इक्वल टू माइनस टू, तो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस फोर्टीन को यहाँ लेके आएंगे तो प्लस फोर्टीन हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस फोर्टीन ट्वेल्व होता है, सो टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स, तो इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो प्लस सिक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, H2SO4, इसके अंदर हाइड्रोजन की अगेन प्लस वन है, सल्फर की एक्स माननी है और जो आपका ओ है ऑक्सीजन की माइनस टू, तो आपका बन जाएगा ये टू इंटू वन दैट इज टू एक्स एंड टू फोर जा माइनस एट क्योंकि माइनस टू है और फोर है तो माइनस एट मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है इसको, इक्वल टू जीरो, यहाँ पर चार्ज नहीं दिया गया इसलिए जीरो मान के चलना है, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो टू में से एट गया तो माइनस सिक्स, तो एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स, तो यहाँ अगेन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, S2O4 टू माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज दे रखा है आपको माइनस टू, ठीक है, तो हमने क्या लिखना है यहाँ, x अगेन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो x मानना है तो टू इंटू एक्स टू एक्स हो गया, माइनस टू फोर माइनस एट हो गया है इक्वल टू माइनस टू, नाउ टू एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, तो टू एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू, यहाँ माइनस एट है यहाँ जाएगा तो प्लस एट हो जाएगा, तो टू एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स, तो x इक्वल टू प्लस थ्री, therefore oxidation नंबर ऑफ सल्फर इज प्लस थ्री इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला हमारा जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आइदर ए और एंड बी और बोथ मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म For such a reaction to be a redox reaction, combination word suggest करता है A plus B gives C, यानी combination होगा और उनमें जो A होगा या B होगा या both, दोनों ही जो हैं वो elemental state में होने चाहिए, जैसे कि carbon की oxidation state zero है, O2 की भी zero है, so they are both in elemental form. And all combustion reaction which make use of elemental dioxygen as well as the other reaction involving elemental other than dioxygen are redox reaction. तो यहाँ पर oxygen का use हुआ है, तो ये भी आपका एक combination जो reaction है वो एक आपका redox reaction का type है. तो C plus O2 gives CO2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं carbon की oxidation number जो है वो zero है, oxygen का oxidation number जो है zero है, और carbon का plus four है, इसका oxidation number वैसे ही निकालना जैसे हमने previous में सल्फर का निकाला था, और यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस टू मान के चलना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसका आपका ऑक्सीडेशन हुआ है और जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हुआ है, तो ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको कॉम्बिनेशन का रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप कहते हैं। नेक्स्ट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दे आर द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, they leads to breakdown of a compound into two or more compound at least one of which must be in elemental state. तो ये क्या करते हैं इन reactions में क्या होता है,
कि जो आपका कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट बना सकता है और उनमें से वन मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में है, H2 भी एलिमेंटल स्टेट में है और O2 भी एलिमेंटल स्टेट में ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं H2O जो है इट डिकम्पोज इंटू H2+O2। ठीक है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है और यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। तो जो अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन +1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है तो इसका रिडक्शन हुआ है, और -2 से 0 पे गया है यानी वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? In a displacement reaction, an ion or an atom in a compound is replaced by an ion or an atom of another element. It is denoted as, अगर हम बात करें, x + yz = xz + y. इसका क्या मतलब है कि displacement reaction इसके अंदर ये जो x atom है आपका, इस x atom ने y को उस compound में से displace कर दिया है और उसकी place ले ली, यानी xz कंपाउंड बना दिया और y को अलग कर दिया। सो वी कैन से एन आयन और एन एटम इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड, यहाँ पर ये आपका x जो है वो रिप्लेस हो गया है और उसकी जगह जो है वो एक अनदर एलिमेंट ने ले ली, जैसे x ने। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पहला है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां पर हम डिफाइन करेंगे कि मेटल इन अ कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस बाय अनदर मेटल इन एन अनकंबाइंड स्टेट। ये जो जिंक है इस रिएक्शन के अंदर वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उसकी प्लेस से रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बट मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया है, इसलिए ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, यानी जिंक ने जो है वो कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया। यहाँ अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो 0 है, यहाँ +2 है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, क्योंकि कॉपर का +2 से वो स्टेट में +0 स्टेट में गया है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। So non-metal displacement is a redox reaction include hydrogen displacement and a rarely occurring reaction involving oxygen displacement. So Na plus H2O gives NaOH plus H2. So यहाँ sodium जो है वो zero oxidation state पे है और यहाँ sodium जो है वो +1 oxidation state पे है, तो इसका oxidation हुआ है। और अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन की यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 0 है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इट इंक्लूड द हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए ये हम एक कह सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ रेडॉक्स का जो है वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। रिएक्शन में देखते हैं H2O2 गिव्स 2H2O+O2। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, यहाँ पर H2O2 के अंदर वाटर के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है और O2 के अंदर 0 है। तो यहाँ पर O2 जो है उसका -1 से इसके अंदर -2 में चेंज हुआ है, यानी यहाँ पर डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, सो वी कैन से इट इज अ रिडक्शन। यहाँ O का -1 से O0 पे गया है, O2 का 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जब एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। थैंक्स, और जो आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।